ओके ऑलराइट, वेरी गुड फ्रेंड। तो वेलकम टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग, चलिए आशा करते हैं सब ठीक होगे फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज हम मिलते हैं काफ़ी टाइम के बाद एक अपना न्यू क्वेश्चन लेके, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है ये, राइट, ये क्या कोई एसिटल है, राइट, और इसकी क्या करानी है हमको इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और इसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है, राइट। इसकी क्या करानी है, एसिटल की हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो ये क्या हमारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि व्हाट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस रिएक्शंस, राइट, या व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शंस, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और इससे पहले हम बता दें कि आपको हम ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें, ओके। सबसे पहले हम इसका प्रोडक्ट बता देते हैं, ठीक है। इसका प्रोडक्ट होगा ये, ठीक है, मतलब क्या हो गया, इसका हाइड्रोलाइज हो गया, तो क्या बन गया, एक हैलिहाइड आपका ग्रुप इसमें आ गया, ठीक है। और माया इसमें टू एथेनॉल क्या हो गया, एज ए साइड प्रोडक्ट, राइट, ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है हमारा, ये दिस इज आवर प्रोडक्ट। तो इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं एक बार चलते चलते, ठीक है। आप ऐसे कर दोगे, बट थोड़ी इसकी क्या हो, अगर आपको मैकेनिज्म की अंडरस्टैंडिंग हो तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे, ओके। तो चलिए हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये मैंने यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म राइट डाउन की है, ओके। तो ये क्या आपका, ये आपका एसिटल, राइट, एसिटल है। क्यों, क्योंकि एसिटल क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप हो उस पर क्या हो, दोनों जे एथाइल एल्कोहल, सॉरी, ओके, ओईटी ग्रुप क्या हो जाए, इस पर अटैच हो जाए, राइट, ओके। तो इसको बोलते हैं हम एसिटल, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे हम H2SO4, और क्या आपका H2O, राइट, और फिर क्या है, देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे देखें कि क्या है, ये जो होता है वो हमारा, ये इस पे जो एसिड कैटलिस्ट हमें क्या देता है, प्रोटॉन देगा, तो प्रोटॉन ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। इसके जो लोन पेयर होंगे वो इसको प्रोटॉन को ले लेंगे, ठीक है। तभी क्या हो जाएगा, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, तभी वो उसको क्या बोल सकते हैं हम, लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप क्या बन जाएगा, एथेनॉल यहाँ पर लीविंग ग्रुप बन जाएगा, और दूसरे वाले जो इस वाले ग्रुप के जो लोन पेयर हैं वो इसको यहाँ पे ऐसे अटैक करेंगे, मतलब रिवर्स करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, राइट। जब लीव कर जाएगा तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है, इंटरमीडिएट, सॉरी, तो हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट ये। फिर देन क्या आता है हमारे पास, देन आता है हमारे पास H2O, राइट। तो H2O जो होगा वो कहाँ पर करेगा, H2O यहाँ पर करता है हमारा न्यूक्लियोफाइल की, एज ए न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, राइट। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर से अटैक कर रहा है, ठीक है, लोन पेयर से। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रोफिलिक साइट होगी, राइट, या इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, राइट। तो ये वाला क्या होगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी। अब क्या होता है हमारा, एक ये बन गया, राइट। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर देख रहे हैं आप, इसको बोल सकते हैं या प्रोटोन ट्रांसफर, या हाइड्रोजन हाइड्राइड प्रोटॉन ट्रांसफर, राइट, एच प्लस ट्रांसफर हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ से, कहाँ से, इस ओ एच ओ इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पर, राइट। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक, ये वाला क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो इंटर मतलब जो क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोजन ट्रांसफर स्टेप, ओके। अब यहाँ क्या होगा, ये देखो, ये बन गया हमारा एल्कोहल, और ये क्या लिविंग ग्रुप बन चुका है हमारा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन इसकी जो क्या होते हैं, ये लोन पेयर इस पर फिर से धक्का देंगे और इस ग्रुप को लीव कर देंगे। जब इस ग्रुप को लीव कर देंगे तब क्या बनेगा हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और दो जो 2 मोल क्या निकल जाएंगे, एथिल एल्कोहल, राइट, एथिनॉल निकल जाएंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको, आपकी जो मैकेनिज्म होगी वो क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसे कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हैव ए गुड डे।